नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी लोगों का। मैं हूं मनोज मिश्रा। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं प्रभु की कृपा से स्वस्थ होंगे। आज का जो दौर चल रहा है, बेरोजगारी, भुखमरी और धन से परेशान लोग बेहाल हैं, पड़े हुए हैं, उन सभी की समस्याओं को देखते हुए आज आपको एक विधान, एक साधना देने वाले हैं। अगर आप इस साधना को, इस विधान को 11 दिनों तक ईश्वर के सानिध्य में रह करके करोगे तो निश्चित ही आपकी गरीबी खत्म होगी और आपके भाग्य के जो दरवाजे बंद हो गए हैं वो दरवाजे खुलने प्रारंभ हो जाएंगे। मतलब अगर आपको नौकरी नहीं मिल रही है तो नौकरी मिल जाएगी, व्यापार में घाटा हो रहा है तो व्यापार आपका बढ़ने लगेगा, कहीं पैसा आपका फंसा हुआ है, कहीं इन्वेस्ट कर दिए हो, वहाँ से पैसा निकल नहीं रहा है तो पैसा निकलना प्रारंभ हो जाएगा, कोई संपत्ति आपकी नहीं बिक रही है वह संपत्ति आपको बिकने लगेगी। ये सारे कार्य आपके हो जाएंगे मात्र 11 दिनों में, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। कोई समस्या है या कोई आप बात हम तक अपना पहुंचाना चाहे तो, हमसे पूछना चाहे तो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा संपर्क सूत्र दिया गया है। देर मत कीजिए, खटाखट नंबर निकालिए और हमें कॉल कीजिए, अपने और अपने परिवार के विषय में परामर्श लीजिए। जो मैं यहाँ एक साधना दूंगा, यह पद्मावती की साधना है। धन संबंधित साधना पूरे यूट्यूब चैनल पर मेरा वादा है, मेरे सबसे ज़्यादा वीडियो हैं। मैंने ही, क्योंकि मैं जानता हूँ, मैं ज़मीनी स्तर से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, मैं लोगों की प्रॉब्लम को जानता हूँ क्या हो सकता है, और छोटे छोटे जो प्रॉब्लम होते हैं लोगों के, उनको सॉल्व करने की, उनमें मदद करने की मैं कोशिश करता हूँ, इसलिए मैं जानता हूँ कि धन संबंधित है। तो इसलिए पद्मावती यक्षिणी की जो साधना है उसको आप करिए। पद्मावती यक्षिणी का एक यंत्र आपको लेना है, यंत्र आपको मेरी वेबसाइट से मिल जाएगा, मुझे आप दक्षिणा भेजोगे, मैं यंत्र आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आप कहोगे ताम के पात्र वाला जो है यंत्र कुरियर करा दूंगा, अगर आपको यंत्र आर्टिफिशियल चाहिए तो वह भी मैं आपको दे दूंगा। तो पद्मावती के यंत्र की आवश्यकता पड़ेगी, उस यंत्र का फोटो स्टेट करवाना है, उसको लेमिनेशन करवाना है, इसके बाद ग्वार पाठे पर लाल वस्त्र बिछा करके यंत्र को स्थापित करना है, पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुख रखना है। आपको अपने मन, वचन और कर्म को पवित्र करना है, इससे पहले अपने इष्ट देव का कम से कम 10,000 बार जप कर लेना है। आपके इष्ट देव भगवान सूर्य हो सकते हैं, भगवान विष्णु हो सकते हैं, भगवान शिव हो सकते हैं, गणेश हो सकते हैं, भगवती दुर्गा हो सकते हैं, हनुमान जी हो सकते हैं, इन्हीं में से एक अपने इष्ट देव के 10,000 मंत्रों का जप करिए। जप के बाद आपका जो बाहरी और भीतर है, अंतरात्मा, वो पवित्र हो जाएगी और साधना में आपका मन लगने लगेगा। आप रात्रिकालीन साधना करेंगे, लहसुन प्याज नहीं खाएंगे, ब्रह्मचर्य पूर्वक रहेंगे, एक समय भोजन करेंगे, अपने घर पर ही कमरा बिछा करके वहीं जमीन पर सोएंगे। देख लीजिए, त्याग तो करना पड़ेगा, बिना त्याग के कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि एक मजदूर 300 रुपये के लिए 10 घंटे जाकर के मेहनत करता है समाज में, वो गर्मी बरसात ये सब नहीं देखता, कितना भी धूप क्यों ना हो, अगर सीमेंट उसको सर पे लाद कर कहीं ले जाना है तो ले जाएगा, गड्ढा खोदना है तो खोदेगा। तो आपको दैवीय शक्तियों की सहायता अगर चाहिए तो मन, कर्म, वचन उन दैवीय शक्तियों को समर्पित करना पड़ेगा, तभी जा करके कुछ आप लाभ ले पाएंगे। समझ रहे होंगे आप हमारी बात को, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुख करके दीपक जला करके पद्मावती के मंत्र का आप 31 माला अर्थात 31 माला जप करना है। मंत्र है ओम ह्रीम पद्मावती आगच्छ आगच्छ मम ग्रहे अकस्मात् धन देहि स्वाहा, यह मंत्र है। मंत्र आप लिख लीजिएगा, अगर मंत्र आपके पास नहीं है तो कॉल करके, हमसे दीक्षा लेकर के, हमसे परामर्श ले करके इस उपाय को करिए। हाँ, एक बात और बता दूँ, हमने एक धन आकर्षण यंत्र भी तैयार किया है, उस यंत्र को आप हमसे खरीद सकते हो, यंत्र को अपने पर्स में रख सकते हो, अपने घर में धन आकर्षण यंत्र को लगा सकते हो और कुछ करना नहीं है, यंत्र को धन आकर्षण यंत्र मात्र उसका प्राइस जो है 1100 रुपये हमने रखा है, उसको आप लीजिए, अपने घर में लगाइए, पूजा करके आप अपने कार्य क्षेत्रों में जाइए। निश्चित ही, क्योंकि वह सिद्ध किया हुआ यंत्र है, हमारे पास 100 से अधिक यंत्र हमने इकट्ठा कर रखे हैं अपने ऑफिस में, आप उसको लीजिए, खरीदिए, अपने ऑफिस में लगाइए, अपने दुकान पर लगाइए, अपने पर्स में रखिए और उससे आपको 100% फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। तो यंत्र को लेने के लिए कॉल करके आप हमारी वेबसाइट से यंत्र मंगा सकते हो। इस साधना को जो मैं बता रहा था, मंत्र तो मैंने बोल ही दिया, आपको 11 दिनों तक करना है, 11 दिनों के बाद आपको हवन करना है। हवन आप सकेला से जो है आम की समिधा में हवन कर सकते हो, 1100 मंत्र से हवन कर दीजिएगा, इसके बाद ये मंत्र स्वयं सिद्ध हो जाएगा। और सिद्ध होने के बाद जो जो मैंने प्रारंभ में बताए हैं कि समस्या आपकी होगी या बनने वाली है,
वो सारी समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए।